मेरी मम्मा के जाने के बाद पूरे प्रदेश से जो दुख की अभिव्यक्ति देखने को मिली वो उनके महान शख्सियत को जाहिर करता है। जो भी मेरी मम्मा से मिला उन्हें कभी नहीं भुला पाएगा, और जो नहीं भी मिले वो भी उनको ये निस्वार्थ मानवता के प्रतीक के रूप में याद करते रहेंगे। मंडी की बेटी ने अपनी प्रतिभाओं से, अपनी जिंदा दिली से, दूसरों के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण से पूरे हरोली का दिल जीत लिया था। एक सफल बहू और माँ के रूप में मंडी की बेटी ऊना की माँ बहू के रूप में सफल भूमिका निभाती रही। अगर मेरे पिता 5 बार चुनाव जीते उसमें मेरी मम्मी का त्याग और समर्पण था। उनके फौलादी इरादे इस बात से जाहिर होते हैं कि हर चुनाव जीतने के बाद वो हमारे गांव से चिंतपूर्णी माता और कुलदेवी ज्वालामुखी माता के मंदिरों में पैदल जाती और उधर नतमस्तक होती। मेरी मम्मा एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी थी, बहु प्रतिभाशाली, नेक दिल, दूसरों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थी। वो हमेशा मुझे मंडी के किस्से सुनाती रहती। आज हम मेरी मम्मा को श्रद्धांजलि देने मंडी में एकत्रित हुए हैं। ये उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और उनके दिल के बेहद करीब आप सब थे। वो हमेशा मुझे मंडी की शरारतों की कहानियाँ सुनाती, चाहे वो बिम्मी मासी, मुन्ना मासी, श्रुति मासी, रीति मासी को जो वो तंग करती थी, शरारतें इनके साथ करती थी वो कहानियाँ हो, या स्कूल में टीचर्स के साथ शरारतें करना, सहेलियों के साथ शरारतें करना, वो सब कहानियाँ वो बार बार दोहराती थी। और 5 फरवरी को भी हम दिल्ली में बैठे हुए थे, उन्होंने ये सब कहानियाँ हमें फिर से सुनाई। मेरी कोई भी सहेली उनके लिए महिमा आंटी जैसी परफेक्ट नहीं थी। वो मुझे हमेशा कहती, सहेली बनानी है तो महिमा जैसी बनाओ, जो निस्वार्थ तुम्हारे साथ खड़ी रहे, सुख दुख में तुम्हारे साथ रहे। वो करुणा बुआ के घर की कहानियाँ, गोगी मामू के साथ अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देखना, ये सब सुनाती रही। और मुझे हमेशा कहती, कुछ तो शरारत कर लो, मुझसे कुछ तो सीख लो। उन्होंने जो शिक्षा यहाँ ली, जो शिक्षा और ज्ञान की लौ मंडी में उनके अंदर जली, जो धर्म की लौ उनके अंदर मंडी में जली, उससे उन्होंने शिमला, ऊना सब जगह रोशनी फैलाई। मैं अपनी मम्मा को अक्सर कहती थी, आप सूरज हो और मैं चांद हूँ। वो मेरे जहाँ को रोशन करने वाली थी। मैं अपनी मम्मा को याद करती हूँ, मुझे पता है उनका जानना सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, अनगिनत जीवन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। माता भीमा काली को हम शुक्र करते हैं कि इतनी महान शख्सियत हमारे जीवन में आई। वो जल्दी ज़रूर चली गई और हानि की भावना को व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम यही उम्मीद करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि माता उनको मोक्ष दे। मेरी मम्मा बहुत यकीन से कहती थी कि मेरा आखिरी जन्म है और मुझे मोक्ष मिलेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।